हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजरी आज बना रही हूँ ओट्स का बहुत ही हेल्दी नाश्ता। ओट्स में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। ओट्स का नाश्ता लेने से वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसके लिए मैंने ये क्वेकर के ओट्स लिए हैं। ये 50 ग्राम ओट्स हैं। एक गिलास ये टोंड मिल्क है, किशमिश है, बादाम है, गुड़ पाउडर है एक चम्मच, और ये कॉफ़ी पाउडर है फ्लेवर के लिए, और ऊपर से डालने के लिए कटे हुए सेब हैं। अब मैंने गैस पर ये सॉस पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है, और इसमें ये मैंने एक गिलास टोन मिल्क डाल दिया है। दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ओट्स डालूंगी। हल्का गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ओट्स डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, अभी थोड़ा सा इसमें पकेंगे। ये देखिए ओट्स थोड़ा सा फूल चुके हैं, अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी, ये किशमिश डाल दूंगी, और इसी समय मैं ये कॉफ़ी पाउडर डाल दूंगी। इसको मैं ये चलाऊंगी ताकि ये सब अच्छे से मिल जाए। ये देखिए ओट्स अच्छे से फूल चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो मैं इसमें गुड़ पाउडर डालूंगी। ये 2 या 3 मिनट में ही बन जाता है। ओट्स हल्का ठंडा हो चुका है तो मैं इसमें ये गुड़ पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए पहले से भी कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए तैयार है सुबह के लिए एक परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब मैं इसमें ऊपर से ये सेब डालूंगी, आप इसमें केला भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाया है, आप चाहें तो ना मिलाएं, प्लेन भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। घर में बच्चे हों या बड़े, आप किसी को भी ये बना करके दे सकती हैं, और इसको खाने के बाद 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। आप ओट्स का ये नाश्ता बनाकर ज़रूर खाइएगा और मुझको कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।